बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे आए हैं कायदे आज़म लाइब्रेरी अदालत रोड क्वेटा। यहाँ पे बुक फेयर 3 रोज़ा लगा हुआ है, आज उसका आखिरी दिन है। तो हम यहाँ पे आए हैं, ये एक अच्छी बात है कि हमारे नौजवानों में जो किताब का शौक़ था वो कम होता जा रहा है, लेकिन इस तरह के इवेंट से जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नौजवानों को भी फ़ायदा होगा और जो किताब पढ़ने के शौकीन हैं उनको फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे जो है इस तरह के बुक फेयर लगने चाहिए। हमारे साथ रहे, हम आपको मज़ीद इंशाल्लाह यहाँ पे दिखाएंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम जो है अब्दुल गफूर है, असिस्टेंट डायरेक्टर उर्दू साइंस बोर्ड क्वेटा ब्रांच का जो है रीजनल ऑफिस के सरबरा हूँ। यहाँ जो है 3 रोज़ा कुतुब मेले का नेशनल लेवल पे किया गया है, जो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक जारी है। तो इसमें जो है हमारे जो है बलूचिस्तान के खुसूसन क्वेटा के बहुत सारे जो है बुक स्टार्स आ गए हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स फीमेल्स मेल्स सारे जो हैं विज़िट कर रहे हैं और एक अच्छा जो है माहौल बन रहा है। किताबों की अफादियत के हवाले से, किताबों को पढ़ने के हवाले से बहुत सारी जो हैं ख़रीदारी भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अच्छा है ये इवेंट, इस तरह की जो है बलूचिस्तान में होनी चाहिए। वो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ये प्रोग्राम जो है आइंदा भी जो है कायदे आज़म लाइब्रेरियन के सीनियर लाइब्रेरियन मोहम्मद इमरान ज़रूर करवाएंगे। मेहरबानी। मेरा नाम अब्दुलरऊफ बंगुलजई है, मैं लेक्चरर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज जमाए थे इस बुक फेयर में, काफ़ी अच्छा लगा और ये एक अच्छी बात भी है। इस तरह के जो इवेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, जिससे किताबों की दोस्ती जो है नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और नौजवान जो है किताबों की तरफ उनकी रग़बत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा एकदम है आजकल के माहौल में, क्योंकि आजकल के जदीद दौर में अक्सर हम देखते हैं बच्चे बड़े मोबाइल्स में या लैपटॉप्स वगैरह में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और किताबों से उनकी दूरी होती जा रही है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ख़ासकर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ जो तालीमी जो माहौल है वो काफ़ी कम है और दिन ब दिन महदूम होता जा रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स ये इनक्रेज करते हैं नौजवानों को कि वो किताबों की तरफ आएँ, किताबों के साथ अपने जो वक्त ज़्यादा बढ़ाएँ, तो उनके लिए
किताबों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, ये निज़ाम नज़ीरी दाड़ बसुन बुक फेयर लगा जो मुझसे दे चलेंगी डरे बलुस्तान जो हम जो किताब आता बुक फेयर लगेंगे दाख मुस्तम लगा सो सके। और 21 फरवरी हम लगा लोड कारेज लाइब्रेरी थी और हम जो पूछकू ना वरना को सुनाने बस खुशी ना ई था सीधा खुशबख्ती से कि द बलुस्तान को नहीं इलाका करते तो कोई इच्छा थी कि बुक फेयर आगदा से मनेंगे तो मारको था रुझान दांग मनेंगे किताब आता कुंडा ऐसे जो सिलसिला से जारी मनेंगे दानंग के पास खुशी नहीं था सी। और इटमी को पूरा बलुस्तान दासा बल्कि बुक फेयर आक लगेंगे वो फेस्टिवल आक और दाख मस्त मस्तुंग लगा और जोन वसे आर्ट एंड लिटरेरी फेस्टिवल मसक और बाज गिचिन और इरादे मस मोसे दे साथ जीमला मस्सिट थे और आर्ट नाम मन था का सूरत थी सिलसिला का सूरत थी और किताबात हम सिलसिला का सूरत थी थोड़े मिन नान बाज गिचिन वन थस मस मारखो को नना जालबू ला का मोड़े बस सुसो ओ अंदोनों अंदोनों गिड़ा जोड़ करे सो अंदोनों अंदोनों गिड़ा तख्लीक करे सो ओ तो टिकस से गुमान माता ओके तो नने मालूम है कि नना जालबू ला के दासा दाखस ओ हम तख्लीकी कुंडा बनेंगे कस तेना शायरी था कुंडा बस सके कस साजीमल ना कुंडा बस सके और कस किताब था या कस आर्ट ना अरा शोभ मस सके वो तख्लीक करे सो करे साइना के तो दस बस किसी नु सिलसिले से बात शानदार अंदाज रख मारे सके मिन्नतवार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कयूम बेदार है और चूँकि मैं बिरावी सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और ये जो बिरावी किताब मरकज़ है इसमें ज़्यादातर बिरावी की किताबें हैं, उर्दू की भी हैं, यहाँ पे बलूची की भी हैं। तो ये जो नुमाइश है किताबों के हवाले से मैं आप बताऊं कि नौजवानों में किताब दोस्ती और किताब के हवाले से आगाही पैदा करने के सिलसिले में इस तरह की जो नुमाइशें हैं ये बहुत कारामद हैं और हम देख रहे हैं कि इस सरोज़ा नुमाइश में ख़ासकर तालिब इल्म और मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां तुलबा और तालिबात आ रही हैं, उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग ज़्यादातर मोबाइल से या उनसे इंटरनेट से मालूमात ले रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन किताब की अहमियत अपनी जगह है। जितनी किताब की अहमियत है, मैं तो कहता हूँ कि किताब के साथ दोस्ती करें, चाहे आप रात को आधा घंटा या एक घंटा पढ़ें, वो आप नहीं भूलेंगे। इंटरनेट में तो आप बेसिक मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन डेप्थ के मालूमात के लिए किताब बहुत ही ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हयात काकड़, स्पेशल सेक्टरी सेकेंडरी एजुकेशन। आज इस बुक फेयर के हवाले से मैंने विज़िट किया था कायदे आज़म लाइब्रेरी जो उन्होंने अरेंज की है। बहुत अच्छा बुक फेयर था, बहुत ही काबिलेदाद काम है जो बलूचिस्तान लाइब्रेरी या कायदे आज़म लाइब्रेरी ने किया है। बड़ा इंजॉय किया, माशाल्लाह हर किस्म की किताबें मौजूद है और हर सब्जेक्ट पे, और एक बहुत बड़ी वैरायटी थी। बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है हमारी सोसाइटी में। आपको पता है कि हमारे और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन इल्म दोस्ती का इजहार भी होना चाहिए। तो इस तरह के इवेंट से एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज चला जाता है कि हमें अपना रिश्ता किताबों के साथ जोड़ना चाहिए। हम अपने बच्चे अपने साथ लाए हैं, माशाल्लाह मैंने देखा बहुत से जूनियर्स भी यहाँ पे थे, किताबें देख रहे थे, जो एक बहुत मस्बत साइन है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी और कायदे आज़म लाइब्रेरीज़ को मज़ीद इस रस्म को आगे चलाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तागीज़ज़ादे वाक़िफ़ी हस्तम, मसूल खाने फ़रहंग जमहूरी इस्लामी ईरान,
و وابسته فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر کویت. امروز توفیقی نصیب بنده شد که از این نمایشگاه کتاب دیدن داشته باشم در قاعده اعظم لایبراری. بسیار خوب یافتم اینجا رو، کتابای بسیار ارزشمندی رو به نمایش گذاشتن که طبق هر سلیقه‌ای کتاب رو میتوان پیدا کرد و این در جامعه امروز ما که یک مقدار فضای مجازی اهمیت کتاب و کتابخوانی رو کمرنگ کرده، برگزاری نمایشگاه ها میتونه جوانها و نوجوانان رو به کتابخوانی علاقمند کنه و قطعا کتاب به عنوان یک دوست خوب میتونه بهترین چیز باشه برای پر کردن اوقات فراغت جوانان که بتونن از یک کتاب خوب و نوشته های اون و در حقیقت دانسته های نویسنده اون کتاب به نحو شایسته‌ای بهره بگیرن و استفاده کنن و بر اندوخته های علمی خودشون بیافزاین. My name is Saghizade Waqifi, Director Cultural Center of Iran in Kuwait.